अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 22, द यूनिट नंबर 4। द यूनिट नंबर 4 इज लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। तमाम जानदार चीज़ें उनके इर्द गिर्द जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे के लिए क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट। डे नंबर 24 में हम देखेंगे, 22 में क्वेश्चन नंबर 5, जो ह्यूमन बींग्स हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोटिक एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या इंसान जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होती है हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट में, हमारी एयर में, हवा में, लाइट में और टेम्परेचर में, क्या इनके कुछ असरअंदाज होने के मामले हैं? या बायोटिक इन्वायरमेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट क्या है? द लिविंग थिंग्स, द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल दैट ह्यूमंस आर द बिगेस्ट इफेक्ट ऑन द फिज़िकल इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ हंटिंग, the destruction of habitat, the effects of pollution and the use of chemical pesticide to control bad pests and diseases. ये वो डिफरेंट वेज हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने माहौल के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जैसे शिकार करते हैं, हंटिंग, तो तभी हम एनिमल्स की तादाद को कम कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करते हैं किसी तरह से, जंगलात वगैरह का कटाव करके। एंड द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, अगर जंगलात का कटाव करोगे तो ऑक्सीजन कम से कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ती जाएगी जो पोल्यूशन का बायस बनेगी। यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ये वो केमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग फसलों वगैरह में से पेस्ट वगैरह को, बैड्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन डिफरेंट वेज की वजह से हम लोग अपने माहौल के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और डायरी है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने ये क्वेश्चन को याद करना और अपने समर टास्क भी लिखना है। थैंक यू।